आप अपने घर बैठे अपनी मर्जी के कपड़ों में अपने टाइम के हिसाब से ऑनलाइन कैसे 50,000 रुपए से लेके 1,00,000 रुपए महीना कमा सकते हैं वो हम जानेंगे इस वीडियो में। ये हर चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मेरी मिशन है कि इंडिया के लोगों को स्केल कर पाए, वो इनकम जनरेट कर पाए, इसलिए मैं समझता हूं आपका टाइम कीमती है, तो इसमें से जो आपको आता है उसको स्किप करते जाना और जो नहीं पता उसको ध्यान से सुनना, इंप्लीमेंट करना। एफिलिएट मार्केटिंग $12 बिलियन की इंडस्ट्री है जो हर साल ग्रो कर रही है और बहुत बड़ा स्कोप इसके अंदर सबके लिए है। एफिलिएट मार्केटिंग, जिनको नहीं पता क्या होता है, ये एक एडवर्टाइजिंग बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर आप किसी के प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करते हो और पैसा कमाते हो। आपको एक यूनिक लिंक मिलता है जिससे आप ट्रैक कर पाते हो कि इस लिंक पर क्लिक करके दूसरे ने क्या लिया, क्या खरीदा और उसके बदले में आपको क्या मिला। इसको और डिटेल में हम इस वीडियो में समझेंगे। पहले ये समझते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग कितने टाइप की होती है। 3 मेन टाइप है एफिलिएट मार्केटिंग के। पीपीएस यानी पे पर सेल मॉडल, जहां पे आपके लिंक पे क्लिक करके अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट या सर्विस ली, सेल हुई तो आपको एक कमीशन मिलती है। दूसरा है पे पर लीड, कि दूसरे ने प्रोडक्ट नहीं भी खरीदा लेकिन रजिस्टर किया या फॉर्म भरा या कोई न्यूज़लेटर साइन करी, मतलब आपने एक लीड दी बिजनेस को, पे पर लीड, और वहां पे भी आपको कमीशन मिलती है। और थर्ड है पे पर क्लिक। आप सिर्फ कस्टमर को या उस यूजर को किसी की वेबसाइट तक लेके आए, आपने सिर्फ क्लिक करवाया तो उसके बदले में भी आपको कमीशन मिलती है। एफिलिएट मार्केटिंग के बेनिफिट्स और स्कोप की बात करूं तो पहला बेनिफिट यह है कि ये एक लो रिस्क बिजनेस है, क्योंकि आप चाहो तो इसको जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो या लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हो, तो आपका रिस्क बहुत ही लो रहता है। दूसरा, कि आप इसको इजीली स्केल कर सकते हो, आप और प्रोडक्ट्स प्रमोट करके और कमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि पहले आपको फैक्ट्री लगानी है, मैन्युफैक्चरिंग लगानी है, मशीनरी लगानी है, प्लांट लगाना है, आपने और प्रोडक्ट्स प्रमोट करने हैं और आपने और कमा लेना है। थर्ड, ये बहुत ही अच्छा पैसिव इनकम का सोर्स है, आपकी आज की मेहनत आपको जिंदगी भर रिटर्न दे सकती है। सो ये है 3 बेनिफिट्स। और अगर स्कोप की बात करें तो एफिलिएट मार्केटिंग मेरा भी एक एक्टिव इनकम सोर्स है, और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो 25 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए महीने का एफिलिएट मार्केटिंग से कमाते हैं। लेकिन आपके साथ मैं भी ये नहीं कह रहा कि आप 40 लाख कैसे कमाओ, क्योंकि अभी स्टार्ट करना जरूरी है। शुरू करें, 1,00,000 रुपए महीने तक पहुंचे, फिर आगे की सोचे। तो अब एक्शन प्लान पे आते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं। पहला स्टेप है डिसाइड ऑन योर नीश। नीश क्या होता है? नीश का मतलब होता है एक स्पेसिफिक ऑडियंस, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ लोग। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप कोई भी कैटेगरी पकड़ते हो कि इस कैटेगरी के अराउंड मुझे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करना है, मान लो आपने पकड़ा ट्रैवल, अब ट्रैवल तो एक बहुत पुराना और कॉम्पिटिशन से भरी कैटेगरी है, कितने लोग इसके अंदर हैं, तो आप स्टैंड आउट कैसे करोगे? यहां पे आपके काम आती है नीश, कि मैं एक स्पेसिफिक ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करूंगा, उन्हीं तक पहुंचूंगा, उन्हीं के रिलेटेड प्रोडक्ट सर्विस दूंगा। तो आप ट्रैवल नहीं पकड़ते, आप पकड़ते हो अफोर्डेबल ट्रैवल, जो लोग बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं, लग्जरी ट्रैवल, स्पिरिचुअल ट्रैवल, मेडिकल ट्रैवल, हिस्टोरिकल ट्रैवल, रिलीजियस ट्रैवल। तो आपने एक कैटेगरी पकड़ी, अब आप उसी के अराउंड प्रोडक्ट्स और सर्विस देखते हो, उसी के अराउंड लोगों तक पहुंचते हो, उनके हिसाब से प्रोडक्ट देते हो, तो आपके कन्वर्जन के चांस भी बढ़ते हैं, आप ज्यादा कमा भी पाते हो। इसीलिए कहते हैं रिचेस आर इन द निशेस। अब यहां पे आपके माइंड में ना कई सारे आइडियाज आ रहे होंगे कि ये पकड़े, वो पकड़े, ये पकड़े, और कंफ्यूजन हो रही होगी। मुझे पता ही होता है, इसीलिए इसके स्टेप्स है, राइट टेक्निक है राइट नीश को चूज करने की। क्यों? क्योंकि बिजनेस है, ऐसे ही नहीं शुरू करना, सोच समझ के करना है, राइट तरीके से करना है। 3 स्टेप्स में आप अपने लिए नीश चूज कर सकते हो। पहला, सिंपल, एक लिस्ट बनाओ, कौन कौन से टॉपिक या कैटेगरी में आपको इंटरेस्ट है। आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, आपको ट्रेवल में है, एजुकेशन में है, होम डेकोर में है, फूड में है, गेमिंग में है, या कौन से स्पेसिफिक नीश में आपको इंटरेस्ट है। 5, 7, 8 टॉपिक्स ऐसे लिखो। अब आपने कुछ आइडियाज तो लिख लिए, लेकिन कौन से आइडिया की डिमांड ज्यादा है या कौन से आइडिया की डिमांड कम है, क्या है जो लोगों को ज्यादा चाहिए, क्या है कम चाहिए, जाने बिना बिजनेस कैसे कर लेंगे। इसलिए आपको कुछ टूल्स दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप गूगल ट्रेंड्स पे जा सकते हो। गूगल ट्रेंड्स, मैंने खोला trends.google.com और यहां पे मैंने लिखा लग्जरी ट्रेवल, और दूसरी तरफ मैंने इसको कंपेयर किया बजट ट्रेवल के साथ। तो आप देख सकते हो कि बजट ट्रेवल ज्यादा डिमांड में है लग्जरी ट्रेवल के कंपैरिजन में। ऐसे मैंने वॉचेस डाला तो देखो आपको नजर आएगा कि ओवर द टाइम थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें डिप कर रहा है। एक रीजन ये भी हो सकता है कि जब से फोन आते जा रहे हैं, लोगों का वॉच में इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, और वॉचेस और शूज का कंपैरिजन करके देखते हैं किसमें लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। शूज में मच मोर इंटरेस्ट है एज कंपेयर टू वॉचेस। ऐसा एक और टूल आपको सजेस्ट कर रहा हूं, वो है ऊबर सजेस्ट। सजेस्ट कर रहा हूं, सजेस्ट क्या बात है। सो इसमें हम कीवर्ड लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सेम कीवर्ड लिख रहा हूँ लग्जरी ट्रेवल, और सर्च करता हूं। So, जब मैंने लग्जरी ट्रेवल और इंडिया डाला तो नजर आ रहा है कि वॉल्यूम कितना है, एसईओ करने में कितनी डिफिकल्टी आएगी, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे।
कॉस्ट पर क्लिक से आपको आइडिया होगा कि इसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है कि कम है। तो एक बार लग्जरी ट्रैवल का हमने कॉस्ट पर क्लिक देखा, और जब मैंने एडवेंचर ट्रैवल सर्च किया तो आप देखो आपको नजर आएगा इसका वॉल्यूम ज्यादा है एज कम्पेयर टू लग्जरी ट्रैवल, और इसमें कॉस्ट पर क्लिक काफी ज्यादा है, विच मीन्स काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है ये। देखो किसी चीज की अगर डिमांड ज्यादा है उसमें प्रॉफिट ज्यादा है तो ये भी हो सकता है उसमें कॉम्पिटिशन ज्यादा हो। तो आपको आपका यूएसपी पता होना चाहिए, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन पता होनी चाहिए कि मैं कैसे स्टैंड आउट करूंगा या करूंगी। अगर मैं शूज की बात कर रहा हूं तो लोग क्या बात करें और मैं कैसे करूं, मैं शायद शूज को लोगों की हाइट, लोगों की एरिया, लोगों की नेचर ऑफ वर्क के साथ लिंक करके बताऊं, तो ये मेरा एक डिफरेंशिएटर हो सकता है। तो अपनी नीश चूज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने पैशंस की लिस्ट बनानी है, देखना है उनकी क्या क्या डिमांड है, जिसका टूल मैंने आपको बता दिया, देखना है उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी क्या क्या है, एक टूल मैंने बता दिया, आगे और भी टूल्स प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए आपको बताने वाला हूं। और ये याद रखना कि अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और प्रॉफिट कम है तो उसमें तब भी स्कोप हो सकता है, किसी चीज की डिमांड कम है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा है तो भी उसमें स्कोप हो सकता है। ये बिजनेस के फंडामेंटल्स याद रखना, और चाहे एफिलिएट मार्केटिंग हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, अगर आप क्रिएटिविटी यूज करते हो, कुछ अलग करते हो, तो जहां लोग एक साल में पहुंचते हैं वहां 3 से 4 महीने में पहुंच सकते हो। अब सेकंड स्टेप है कि आपको प्लेटफॉर्म डिसाइड करना होगा कि मुझे किस प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को प्रमोट करना है। प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, एक वेबसाइट हो सकती है, ब्लॉग हो सकता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक, So, कई तरह के तरीके हो सकते हैं। इस वीडियो में जो मैं आपको गाइड कर रहा हूं वो है एक एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बनाना, क्योंकि अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो आप पूरी दुनिया को टारगेट कर पाते हो, आप सोशल मीडिया से भी ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेके आ सकते हो, आप लॉन्ग टर्म तक अपने यूजर्स को सर्व कर सकते हो, आप ईमेल मार्केटिंग अपनी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो, और 65% कन्वर्जन एफिलिएट मार्केटिंग की आज भी वेबसाइट के थ्रू होती है। So, मेरी सजेशन आपको ये होगी कि सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट को समझो, उसको ग्रो करो, और साथ साथ सोशल मीडिया, यूट्यूब, इनकी पावर को और यूज करके उसी वेबसाइट पे बिजनेस को और ग्रो कर सकते हो। अब कौन सी वेबसाइट हमें बनानी है, वेबसाइट कई टाइप्स की हो सकती है। एक हो सकता है कि आपने कोई ब्लॉग लिखा जिसमें आप अलग अलग प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते हो, लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हो अलग अलग प्रोडक्ट्स की। फॉर एग्जाम्पल, ये इंडियन ब्यूटी हू का ब्लॉग है, बेस्ट बियर्ड ग्रोथ ऑयल फॉर मेन, जिसमें आप देखो लोगों को नॉलेज दी जा रही है और साथ में बियर्ड ऑयल्स के बारे में बताया जा रहा है, और आपको नजर आएगा लिंक है अमेज़न का, विच मीन्स इस लिंक पे क्लिक करके अगर कोई खरीदेगा तो इंडियन ब्यूटी हब वालों को कुछ कमीशन मिलेगी। सो यहाँ पे काफी नॉलेज दी जा रही है और साथ साथ लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे यूजर को एजुकेट करते हो अपने ब्लॉग में, उसको कंपेयर करके बताते हो कौन सा फोन तेरे लिए अच्छा है, कौन सा ट्रिमर तेरे लिए अच्छा है, कौन सा बुक तेरे लिए अच्छा है, कौन सी कोर्स तेरे लिए अच्छा है, और आपको साथ साथ कुछ कमीशन मिलती है। ऐसे में ये ऑप्शन भी आपके पास है कि आप एक प्रोडक्ट पकड़ो, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, उसके फीचर्स, प्रोस, कॉन्स लोगों को एक्सप्लेन करो, उसका रिव्यू दो, और अगर लोगों को वो प्रोडक्ट सही लगता है, उनके काम का लगता है, वो खरीदते हैं, तो आपको कमीशन मिलती है। जैसे आई एम मिस्टर डॉट इन आपको नजर आएगा, यहाँ पे इनका एक ब्लॉग है फिलिप्स के शेवर के ऊपर, तो यहाँ पे फिलिप्स के शेवर के फीचर्स, उसके प्लस, उसके माइनस, उसका अच्छा बुरा सब एक्सप्लेन किया, और साथ में लिंक है, फ्लिपकार्ट पे जाके खरीद लो, अगर कोई खरीदता है तो इनको कमीशन मिलती है। देखो ये है बेसिक जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक ब्लॉग बनाओ, उसमें फीचर्स दो, नॉलेज दो, रिव्यूज दो, कंपैरिजन दो। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हो सकती है, आप चाहो तो डील्स की वेबसाइट बना सकते हो जहां पे आप लोगों को नई नई डील्स के बारे में बताते हो, जैसे ग्रैबॉन, यहाँ पे कई सारी डील्स अलग अलग ब्रांड्स की मिलती हैं, या फिर आप कंपैरिजन वेबसाइट बना सकते हो कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अलग अलग साइट पे कितने का मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कंपेयर राजा पे मैं देख रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी, ये अमेजोन पे इतने का है, पेटीएम में इतने का, फ्लिपकार्ट में इतने का, मुझे इस साइट ने हेल्प करी ये बताने में कि कहाँ फोन सबसे सस्ता मिल रहा है, और जब मैं इनमें से किसी लिंक पे क्लिक करके फोन खरीदता हूँ तो इनको कमीशन मिलती है। तो शुरुआत में अगर आप बहुत ज्यादा कोडिंग की वेबसाइट के बहुत ज्यादा अंदर नहीं घुसना चाहते तो मैं आपको कहूंगा बेसिक शुरुआत करो, ब्लॉग से शुरू करो, उस ब्लॉग में आप प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर सकते हो, कंपैरिजन दे सकते हो, लोगों को नॉलेज दे सकते हो, एजुकेट कर सकते हो, टिप्स दे सकते हो, और उसके साथ साथ उनको प्रोडक्ट्स सजेस्ट कर सकते हो। अब वेबसाइट की टाइप्स आपको पता चल गई, अब बारी है अपनी वेबसाइट के नाम को रखने की। हमारी वेबसाइट का नाम क्या होगा, जिसको हम कहते हैं डोमेन नेम, हमारे डोमेन का नेम क्या होगा, ये बहुत जरूरी है। आप एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, कल को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचना है, आपके और दूसरों के सपने पूरे होने हैं, तो वो नाम क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो नाम कैसे चूज किया जाए, कुछ चीजें माइंड में रखनी चाहिए। नाम बहुत ही ज्यादा लंबा ना हो कि लोग याद ही ना रख पाए, नाम बहुत कंफ्यूजिंग ना हो, कोई ऐसा वर्ड जिसके स्पेलिंग लोगों को कंफ्यूज करे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को बोलो कि यार स्किन का जादू या हेयर जादू, ऐसा कोई जादू वर्ड, अब JADU है कि JADOO है, या फिर आपने उसमें लिखा यू के मनी फॉर यू, अब YOU है कि सिंगल यू है, ये हमेशा कंफ्यूजन रहेगी। तो इस तरह के नाम हो जो सिंपल हो, शॉर्ट हो, याद रहे, वो इंपॉर्टेंट है। अब आप डोमेन चेकर पे जाके ये सर्च कर सकते हो कि जो नाम आपके माइंड में आ रहे हैं वो अवेलेबल हैं या फिर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ भारत,
तो एग्जाम्पल के लिए मैं सोच रहा हूं एक ऐसा ब्लॉग जो मेड इन इंडिया लोकल हैंडीक्राफ्ट की बात करे, तो उसका नाम ट्राई करते हैं भारत। तो भारत.in तो वैसे मिलना मुश्किल था, लेकिन कुछ खास इसमें नहीं मिल रहा, तो कुछ और ट्राई करते हैं। ये भी मुश्किल है कि इंडिया पे कुछ मिल जाए, बट लेट्स सी। ऑफ कोर्स इंडिया.in नहीं मिलेगा, इंडिया.स्टोर मिल रहा है मुझे, मैं फटाफट करवा लूं। ये एक बहुत ही अच्छा नाम मिल रहा है, इंडिया है उसके अंदर और स्टोर है जो मैं चाह रहा हूं। सो इस तरह से आप भी चेक कर सकते हो जो डोमेन नेम्स आपके माइंड में आ रहे हैं। .com .in कॉमन है, इसलिए प्रेफर्ड है, लोगों को कंफ्यूजन नहीं होती। .store थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अभी एग्जांपल है तो मैं यूज कर रहा हूं। अब आपने नाम डिसाइड कर लिया कि ये मेरी वेबसाइट का नाम होगा, ये है डोमेन नेम। अब इसके बाद आपको चाहिए एक होस्टिंग स्पेस। होस्टिंग स्पेस क्या है? जहां पे आप चीजों को डालते हो, अपनी साइट को डिजाइन करते हो, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे डिजाइन लगाया, ये फोटो अपलोड करी, ये सब कहाँ होगा? आपकी होस्टिंग स्पेस के अंदर होगा। देखो यहाँ पे ना आपके पास जीरो इन्वेस्टमेंट वाली ऑप्शन भी है। आप कोई ऐसा डोमेन भी ले सकते हो जो किसी डोमेन के साथ अटैच्ड हो। आप कोई ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, वहां पे अपना ब्लॉग बना सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रॉपर डोमेन नेम लो। बिजनेस करना है तो अच्छे से किया जाए, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, और प्रॉपर होस्टिंग स्पेस लो, क्योंकि कुछ फीचर्स हैं जो आपको देखने चाहिए अगर आपने इसको कमर्शियली, इसमें से कमाना है, इसमें अगर बिजनेस बनाना है। फॉर एग्जांपल, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, सिक्योर्ड होना चाहिए। आपका डेटा है, साइट खराब हो गई तो दोबारा बनानी बहुत मुश्किल होगी। आपके पास कस्टमर सपोर्ट होनी चाहिए, आपके पास स्केल करने के ऑप्शन होनी चाहिए कि अगर ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है तो वो साइट उसको संभाल पाए, मैं और बड़ी चीजें कर पाऊं। सो आप कहीं से भी डोमेन एंड होस्टिंग ले सकते हैं, जहां पे भी आपको ट्रस्ट आए, जहां पे आपको लगे कि रिलायबल है, स्केलेबल है, जहां पे आपको कॉस्ट ठीक लगे। क्योंकि कल को आपकी साइट चल रही है, बिजनेस चल रहा है, और पीछे सपोर्ट अच्छी नहीं है, बैकएंड अच्छा नहीं है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये बहुत जरूरी है कि आप एक अच्छी होस्टिंग सर्विस चूज करो, क्योंकि जब आपकी साइट चल रही है, लोग आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अचानक पीछे से कुछ क्रैश कर रहा है, बैकएंड पे आपको सपोर्ट नहीं मिल रही, तब आप ज्यादा परेशान होंगे। तो जहां आपको ट्रस्ट आता है, जहां आपको लगता है यस ये ब्रांड रिलायबल है, यस ये प्राइस मेरे बजट में है, सपोर्ट अच्छा है, वहां से आप डोमेन एंड होस्टिंग ले सकते हो। मैं अपनी वीडियोस में होस्टिंग स्पेस के लिए हमेशा होस्टिंगर सजेस्ट करता हूं, क्योंकि मेरी अपनी सारी वेबसाइट्स भी होस्टिंगर पे होस्टेड है और मेरा एक्सपीरियंस हमेशा इनके साथ अच्छा रहा है, तो वही मैं आपको सजेस्ट करता हूं। तो ट्यूटोरियल के लिए मैं होस्टिंगर के थ्रू आपको दिखाऊंगा कैसे होस्टिंग स्पेस लेनी है, कैसे अपनी वेबसाइट डिजाइन करनी है, कैसे उसको ऑप्टिमाइज करना है, कैसे कंटेंट पे काम करना है। तो ये मैं गया होस्टिंगर की वेबसाइट पे, इसका एफिलिएट लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहां मैं गया होस्टिंग पे, होस्टिंग पे जाके आपको नजर आएगा वेब होस्टिंग, आप उस ऑप्शन को चूज कर सकते हो। इसमें आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको कई प्लान्स नजर आएंगे, जैसे कि सिंगल वेब होस्टिंग, प्रीमियम वेब होस्टिंग, बिजनेस वेब होस्टिंग। मेरी सजेशन आपको रहेगी प्रीमियम वेब होस्टिंग, ये मोस्ट पॉपुलर तो है ही, लेकिन साथ में बहुत सारे डिफरेंसेस है। जैसे यहाँ पे आपको वन वेबसाइट होस्ट करने को मिलती है, यहाँ पे 100 वेबसाइट्स, आपको स्टोरेज ज्यादा मिलती है, ज्यादा यूजर्स आपकी साइट पे आ सकते हैं, 100 से ज्यादा ईमेल्स आप उस डोमेन के साथ बना सकते हो, और कई और फीचर्स है। 24/7 365 आपको सपोर्ट मिलती है, 30 डेज मनी बैक गारंटी है, इस तरह के कई और फीचर्स भी आपको इस प्लान में मिलते हैं। प्राइस वाइज भी अगर आप देखोगे 149 रुपीज पर मंथ है। इसको मैं ऐड टू कार्ट करता हूं। बिजनेस शुरू किया तो लंबा टाइम सोच के ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड रखना चाहते हो तो आप 12 मंथ्स वाला प्लान ले सकते हो। आप थोड़ा सा 24 मंथ तक चले जाते हो तो आपका प्राइस और कम हो जाता है, और 48 मंथ तक चले जाते हो तो आप 17,000 सीधा बचा लेते हो, क्योंकि आपको पड़ता है 150 रुपीज पर मंथ, और साथ में आपको एक फ्री डोमेन मिलती है फर्स्ट ईयर के लिए। डोमेन के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं खर्चना। सो इस प्लान को मैंने सिलेक्ट किया, अपना अकाउंट क्रिएट किया और पेमेंट करी, और कूपन कोड में आप मेरा कूपन HM7 डाल सकते हो, इससे आपको और फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये मिला एडिशनल डिस्काउंट और अब हम इसको कर सकते हैं पे। ओके, तो यहां पे आया हेलो हेलो और हमने किया स्टार्ट नाउ, सेव पासवर्ड। बहुत ही हेल्पफुल और इजी फ्लो आपको नजर आएगा। हु आर यू क्रिएटिंग वेबसाइट फॉर? आई एम क्रिएटिंग इट फॉर माई सेल्फ। हु इज क्रिएटिंग द वेबसाइट? आई एम बिल्डिंग इट माई सेल्फ, क्योंकि मैं किसी डेवलपर को हायर नहीं कर रहा हूं, तो आई एम बिल्डिंग इट माई सेल्फ। विच टाइप ऑफ वेबसाइट यू वॉन्ट टू बिल्ड? हम एक ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं या ऑनलाइन स्टोर बनाना चाह रहे हैं? तो हम एक ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं। डू यू नीड हेल्प बिल्डिंग योर वेबसाइट एज अ बिगनर? हम इसको यस कर सकते हैं। एंड देन मैंने सेलेक्ट किया बिल्ड अ वेबसाइट। अब वेबसाइट बिल्ड करने के कई तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक बहुत ही कॉमन है, बहुत लोग उसको यूज करते हैं, जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। इसके अलावा जायरो है, होस्टिंगर का अपना वेबसाइट बिल्डर भी है, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी हम वर्डप्रेस के थ्रू समझते हैं, क्योंकि ये आपके लिए इजी रहेगा, स्केलेबल रहेगा। मैंने वर्डप्रेस को किया सिलेक्ट,
एंड यहां पे मैं अपना एक वर्डप्रेस अकाउंट बना रहा हूं, सेम ईमेल आईडी मेरा यहां पे आ चुका और एक पासवर्ड लगा रहा हूं। अब देखो, आपको स्क्रैच से चीजें बनाने की जरूरत नहीं होती, आपको यहां पे एक टेम्पलेट मिल रहा है कि आप कैसी लुक चाहते हो, तो आपके माइंड में जैसी विजन है उसके रिलेटेड आप देख सकते हो। आप कई तरह के यहां पे टेम्पलेट्स डिजाइन देख सकते हो और चूज कर सकते हो। अब जैसे ये वाला डिजाइन मेरे को अच्छा लग रहा है, रिलेटेबल लग रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं। अब आगे बारी नामकरण की, हमें इस बच्चे का नाम रखना है, क्योंकि हमने 48 मंथ्स का प्लान लिया था तो हमें एक डोमेन फ्री मिल रही है तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैंने नाम सोचा था india.store, ऊप्स ये डोमेन अवेलेबल नहीं है, तो कुछ और नाम फटाफट ढूंढते हैं। तो क्योंकि अब india.store अवेलेबल नहीं है तो मैं अपना प्लान चेंज करता हूं और एग्जांपल के लिए कुछ फाइनेंशियल वेबसाइट बना लेता हूं। आप ऐसे टॉपिक मत बदलना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं इसलिए ऐसे कर रहा हूं। सो माइंड योर वेल्थ एक नाम मेरे माइंड में आया, सर्च करके देखते हैं कि इसके माइंड में क्या है। सो वी नीड नॉट माइंड एंड प्लीज माइंड कि माइंड योर वेल्थ .in अवेलेबल है, तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। फिनिश सेटअप, कुछ डिटेल्स आपसे मांगेगा, आपने भर देनी है। और ये हमें मिली शाबाशी, वेल डन, यू आर रेडी। और हमने क्लिक किया मैनेज साइट पे, यहां पे आप क्लिक कर सकते हो एडिट वेबसाइट पे, एडिट वेबसाइट। तो ये है वर्डप्रेस, जहां पे आप अपनी वेबसाइट को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं, जितनी आप सीखते जाओगे उतना ग्रो करते जाओगे। अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूं कि अपीयरेंस में हम गए और हम गए मेन्यूज में। अब हमारी जो साइट है mindyourwealth.in, इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ये एक मेन्यू बना हुआ है, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट और ये नंबर। और ये जो डिजाइन हमने चूज किया अभी एज इट इज सब यहाँ पे है, जिसमें कुछ भी लिखा होगा अभी, लेकिन हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इस फोटो को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, मेन्यू को चेंज कर सकते हैं। तो यहां मैं ऐड टू मेन्यू पे गया। अब मान लो यहां से मुझे सर्विसेज हटाना है और कुछ और ऐड करना है, तो मैं सर्विसेज में जाके इसको रिमूव कर सकता हूं, तो सर्विस रिमूव हो गया होगा। इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखो सर्विसेज यहां से हट गया। इसी तरह से यहां से मैं एक और सैंपल पेज ऐड टू मेन्यू कर रहा हूं और इसको मैं चाहूं तो रीनेम कर सकता हूं और लिख सकता हूं रिव्यूज एंड सेव। इसको रिफ्रेश करते हैं और आप देखो रिव्यूज यहां पे आ गया। मैं चाहूं तो ऑर्डर भी चेंज कर सकता हूं कि पहले भाई रिव्यूज चाहिए, बाकी बातें बाद में। देखो आपने ऑर्डर चेंज हो गया, होम के बाद आ गया रिव्यूज और एक सैंपल पेज यहां पे रेडी है। तो इसी तरह से आप पेजेस में जा सकते हो और पेजेस पे जाके आप इन पेजेस को एडिट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। जैसे ये सैंपल पेज हमने वहां पे बनाया, इसको एडिट करके देखते हैं। तो आपके पास पूरी ऑप्शन है, आप मेन्यूज एडिट कर सकते हो, फोटोज एडिट कर सकते हो, टेक्स्ट एडिट कर सकते हो, हर चीज कर सकते हो। यहां पे आके मैंने टेक्स्ट बदला, मैंने ये टेक्स्ट बदला और किया अपडेट। इसी तरह से एडिट करते जा सकते हो और अपनी मर्जी से अपने हिसाब से वेबसाइट बनाते जा सकते हो। अब वेबसाइट आपने बनानी शुरू कर दी, अब आपका सवाल होगा कि वेबसाइट तो बनानी शुरू कर दी लेकिन प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे, प्रोडक्ट का लिंक कैसे लगाएंगे, ट्रैक कैसे करेंगे, कितनी कन्वर्जन हुई, कितनी सेल हुई, पैसा कैसे आएगा, ग्रो कैसे करेंगे। तो अब हम जानेंगे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कैसे ढूंढनी है जिससे हमने कमाना है। इसके कई तरीके हो सकते, तीन मेन इंपॉर्टेंट तरीके आपसे शेयर कर रहा हूं, तीनों को आप समझो, तीनों आपके काम आ सकते हैं। पहला है एफिलिएट नेटवर्क। एफिलिएट नेटवर्क में क्या होता है कि आपको जगह जगह जाके, कंपनी कंपनी जाके प्रोडक्ट्स की बात नहीं करनी, प्रोडक्ट नहीं ढूंढने। एक नेटवर्क होता है जहां पे कई सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पड़े होते हैं, आप उसका लिंक उठाते हो, अपनी साइट पे लगाते हो और वो एक सेंट्रल साइट से ही आपको पेमेंट्स आती हैं, आपकी रिपोर्ट्स बनती हैं। तो आपको 50 लोगों से बात नहीं करनी, वो सब एक ही जगह होता है, वो है एफिलिएट नेटवर्क। मैं एफिलिएट नेटवर्क इसलिए भी सजेस्ट कर रहा हूं कि आपके साथ कभी कुछ गलत ना हो, आप किसी प्रोडक्ट किसी कंपनी पे भरोसा कर दो और आपकी पेमेंट आए ना, बट नेटवर्क्स में ट्रस्टेड और रिलायबल चीजें रहती हैं अगर वो नेटवर्क ट्रस्टेड है। कुछ ट्रस्टेड नेटवर्क्स के नाम आपको बता देता हूं, जैसे कि जेवीजू हो गया, राकुटेन हो गया, क्लिक बैंक हो गया। कुछ एफिलिएट नेटवर्क्स इंडिया में बहुत फेमस है जिसमें आपको इंडिया रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी, इंडियन ऑडियंस के लिए चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि वी कमीशन है, एडमिट एड है। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूं, ये है एडमिट एड का स्टोर, ये एक एफिलिएट नेटवर्क है। यहां पे जो जो प्रोडक्ट अवेलेबल आपको नजर आ जाएगा, जैसे एजुकेशनल आपकी नीश है तो हड़प्पा,
मैगजीन्स के रिलेटेड मैक्सर, आप यहाँ पे कोई भी मैगजीन अपनी नीश के रिलेटेड देख सकते हो, उसको प्रमोट कर सकते हो, और आपकी नीश के रिलेटेड आपको ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स यहाँ मिल जाएंगे या दूसरे एफिलिएट नेटवर्क्स पे मिल जाएंगे। क्विकली गो थ्रू करवाता हूँ आपको, तो मैक्सटर में क्लिक करके आपको दिखाता हूँ डिटेल में। पहले आपको नजर आएगा अर्निंग पर क्लिक, कि अगर 100 लोग क्लिक करते हैं तो क्या आपको अर्निंग मिलेगी, कन्वर्जन रेट क्या है, कितने लोग आते हैं साइट पर, कितने लोग क्लिक करते हैं। कुकी लाइफ टाइम जो आप देख पा रहे हो 30 डेज, इसका मतलब होता है कि अगर आज कोई उनकी साइट पे आपके लिंक के थ्रू गया और 30 दिन तक किसी भी दिन उसने परचेज कर ली, तब भी आपको इसकी कमीशन मिलेगी। तो बेसिकली कितने टाइम तक, ऐसा नहीं कि आज वो साइट पे गया और आज ही खरीदे, वो 30 दिन बाद खरीदे, 60 दिन बाद खरीदे, कुछ 365 डेज भी अलाउ करता है कि आप बंदा हमारी साइट पे अगर आपकी वजह से आया और अगले 30 दिन में, 60 दिन में या 90 दिन में, जो भी उनका डिफाइंड टाइम है, उसमें कभी भी उसने खरीद लिया तो आपको कमीशन मिलती है। किसी भी एफिलिएट नेटवर्क को जब आप ज्वाइन करोगे तो आप ये सारी डिटेल्स देख पाओगे और अपनी कैटेगरी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ढूंढ के आप उनके अराउंड कंटेंट क्रिएट कर सकते हो या अपने कंटेंट के हिसाब से प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हो। अब ये तो हो गया एफिलिएट नेटवर्क्स, लेकिन कुछ रिलायबल और ट्रस्टेड ब्रांड्स ऐसे भी हैं जिनका अपना ही इंटरनल एक एफिलिएट का पूरा प्रोग्राम है। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, Amazon और ऐसी कई सारी कंपनी। तो Amazon पे इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं और Amazon एक ट्रस्टेड ब्रांड है, तो अगर आप Amazon के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो, उनके लिंक लोगों को देते हो, लोग खरीदते हैं, तो आपको उससे कमीशन मिलती है। इसको कहते हैं Amazon एसोसिएट प्रोग्राम, जिसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर मैंने बताया हुआ है। लेकिन क्विकली आपको एक आइडिया दे देता हूं ये कैसे काम करता है। आप गूगल पे जाकर लिख सकते हैं ज्वाइन Amazon एसोसिएट्स, तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा Amazon एसोसिएट सेंट्रल। इसको क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हो, पूरा प्रोसेस मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, और आप Amazon एसोसिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। जब आप इनका एसोसिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हो तो आप देखोगे कि उसके बाद ऊपर आपको एक बार नजर आएगी, जैसे ये है Amazon एसोसिएट स्ट्राइप, और उसके बाद अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट खोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाला मोबाइल फोन का मैंने खोला प्रोडक्ट Amazon पे, तो ऊपर आपको ऑप्शन नजर आएगी गेट लिंक टेक्स्ट में और इमेज में। आप इमेज का लिंक चाह रहे हो, टेक्स्ट का लिंक चाह रहे हो, टेक्स्ट प्लस इमेज चाह रहे हो, फेसबुक लिंक, ट्विटर लिंक, सारी ऑप्शंस आपके पास है। आपने टेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपने टेक्स्ट पे क्लिक किया और आपको ये लिंक यहाँ पे मिल गया। इसको आप कॉपी कर सकते हो और अपनी साइट पे पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे जैसे आपकी सेल शुरू होती है, आपको नजर आएगा कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने क्लिक करने के बाद आइटम ऑर्डर करी, उसमें से इतने लोग शिप हुए, इतने आपके पास रिटर्न आए, और कन्वर्जन रेट क्या रहा, एंड कितना रेवेन्यू आपने जनरेट किया और उसमें से आपको क्या मिला। आप पर डे देख सकते हो, पर वीक देख सकते हो, पर मंथ देख सकते हो। अब आपको पता लग गया है कि एफिलिएट नेटवर्क क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, आपको पता लग गया एग्रीगेटर्स यानी Amazon, Flipkart इस तरह की साइट्स का एफिलिएट कैसे काम करता है। अब थर्ड ऑप्शन आपके पास हमेशा है कि जो आपकी नीश है, जिसके जिस तरह के प्रोडक्ट्स आप कवर करना चाहते हो, उसके रिलेटेड आप देख सकते हो किसी कंपनी के पास एफिलिएट है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टॉक ट्रेडिंग में जाना चाहता हूं, तो मैं सर्च करूंगा अपस्टॉक्स एफिलिएट, तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि अपस्टॉक्स के पास ही ऑप्शन है, आप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इसी तरह से आप ट्रैवल में इंटरेस्टेड हो तो मेक माई ट्रिप का एफिलिएट है या booking.com का एफिलिएट है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। पार्टनर विद अस की ऑप्शन है, एफिलिएट प्रोग्राम की ऑप्शन है। अब आप वेबसाइट बना सकते हो, एफिलिएट नेटवर्क कैसे काम करते हैं, प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, कमीशन कहाँ से देखनी है, ये सब आप समझ चुके हो। लेकिन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम राजा कहते हैं, वो है कॉन्टेंट। कॉन्टेंट इज द किंग। अगर हमारे पास अच्छा कंटेंट नहीं है, अगर हम ऑडियंस को वैल्यू नहीं दे रहे, अगर हम ऑडियंस को सर्व नहीं कर रहे, उनकी लाइफ में चेंज नहीं ला रहे, उनको इम्पैक्ट नहीं कर रहे, तो हम सेल नहीं कर सकते। हमेशा कहा जाता है सेलिंग इज सर्विंग, और हम सर्व करते हैं कंटेंट के साथ। अब अच्छा कंटेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कीवर्ड रिसर्च टूल। गूगल पर जाके जब हम कीवर्ड रिसर्च टूल लिखेंगे तो हमारे सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, कोई भी आप शुरू में यूज कर सकते हो। एक्सपर्ट लेवल पे कौन से टूल यूज करने हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन शुरू में आप कोई भी टूल से एक आइडिया ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये keywordtool.io में सर्च कर रहा हूं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कैसे ये काम करता है। यहाँ पे मैं कंट्री सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करी, आ जाओ यार मेरा देश महान, मेरा भारत महान, हियर वी गो। तो हमने वेबसाइट बनाई थी माइंड योर वेल्थ, तो हम कुछ फाइनेंस के रिलेटेड ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड के अराउंड ढूंढते हैं क्या कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च करते हैं। तो कीवर्ड्स को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये वो वर्ड्स हैं जो लोग जनरली सर्च करते हैं, जो गूगल पे डालते हैं, जिनके अराउंड कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हमें मिले हैं। मैं खुद जो यूज करता हूँ वो है गूगल कीवर्ड प्लानर, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस लेवल हो सकता है, इसलिए मैं अभी एक बेसिक लेवल आपको दिखा रहा हूँ।
तो बेस्ट म्यूचुअल फंड सर्च होता है, म्यूचुअल फंड इंडिया सर्च होता है, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट सर्च होता है, हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड सर्च होता है। तो अगर मुझे कंटेंट क्रिएट करना है तो कुछ आइडियाज मेरे पास आ रहे हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट पे बना सकता हूं। हाउ टू इन्वेस्ट लोग जानना चाह रहे हैं तो इस पे बना सकता हूं। टाइप्स कौन कौन सी होती है, हाइब्रिड होता है, डेट बेस्ड होता है, इक्विटी बेस्ड होता है, तो टाइप से बना सकता हूं। तो इस तरह से आप अपने टॉपिक को जब कीवर्ड टूल में डालोगे तो आपको पता चलेगा लोग क्या चाह रहे हैं, और जो लोग चाह रहे हैं वो अगर हम बना रहे हैं तो लोग हमारे पास आ रहे हैं और हम सर्व कर पा रहे हैं और हम कमा रहे हैं, क्या बात है, रैप बनता जा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप अपने कॉन्टेंट का ना एक प्लान बना के चलो, कब कौन सी डेट में मुझे कौन सा कॉन्टेंट डालना है। मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ कि ये कॉन्टेंट प्लानर है, कब कौन सा टॉपिक, कौन सी कैटेगरी और क्या उसकी पब्लिशिंग डेट है। शुरू में आप इस तरह की स्प्रेडशीट यूज कर सकते हो या नोटपैड यूज कर सकते हो। जब आपका काम और बढ़ जाए, आपकी टीम और बढ़ जाए, तो आप एडवांस सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। जैसे मैं खुद जो यूज करता हूं वो है ट्रेलो, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, लेकिन ये एक ट्रेलो का इंटरफेस आपको दिखा रहा हूं। लेकिन शुरुआत में एज अ बिगनर आपके लिए एक सिंपल एक्सेल या सिंपल नोटपैड काफी है। अब हम बात करेंगे कैसे इंश्योर करें कि मैक्सिमम लोग हमारे पास आए, मैक्सिमम ट्रैफिक हमारे पास आए, कैसे हम अपनी साइट को ग्रो करें, कैसे उसको लोगों तक पहुंचाएं। इसके लिए कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। 850 करोड़ सर्चेस होती है गूगल पे, कब, साल में नहीं, महीने में नहीं, हफ्ते में नहीं, पर डे, हर रोज 850 करोड़ लोग गूगल पे कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं। जब वो सर्च कर रहे हैं, हम उनके आगे अगर आ जाते हैं, और कितने लोगों के आगे आप आते हैं उतना हमारी इनकम बढ़ती जाती है। That is what is search engine optimization. तो अपना हमारा जो पेज है वो लोगों के आगे आए, इसलिए कुछ चीजों का ध्यान हमें रखना है। पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका कंटेंट बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। देखो 1000 रूल्स SEO के एक तरफ हैं, और एक रूल सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट शानदार और बढ़िया होना चाहिए। क्योंकि जब कंटेंट स्ट्रक्चर्ड होता है, वेल प्लेस्ड होता है, वेल प्रेजेंटेड होता है, साथ में इमेज लगाई हुई है, जहां जरूरत है वीडियो लगाई हुई है, जब कंटेंट इतना शानदार होता है ना, लोग रुकते हैं, लोग कंज्यूम करते हैं, कंटेंट देखते हैं, खाते हैं उस कंटेंट को, पीते हैं उस कंटेंट को, देखते हैं। और जब कंटेंट अच्छा लगता है तो आपकी साइट के और पेजेस देखते हैं, वो आपकी साइट में एक पेज से दूसरे, दूसरे से तीसरे पेज जाते हैं, और इससे किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी एल्गोरिथम को क्लियर होता है कि ये साइट अच्छी है, अच्छी है तो अगली बार इसको और अच्छा रैंक देना है, मतलब और लोगों के आगे लेके आना है। और अगर कंटेंट अच्छा नहीं है, आपने 100 स्मार्ट तरीके यूज कर लिए लेकिन कंटेंट बेकार है, लोग रुक ही नहीं रहे, कोई भी सर्च इंजन, चाहे गूगल हो या बिंज हो या कोई भी सर्च इंजन हो, वो आपके पेज को पीछे लेता जाएगा कि इस पे तो लोग रुक ही नहीं रहे। तो मास्टर रूल इज कंटेंट, बढ़िया कंटेंट, लोगों को मजा आए, पढ़े लोग, उससे वैल्यू ले। और छोटी छोटी चीजें, स्मार्ट चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए अच्छे कंटेंट के साथ। फॉर एग्जांपल जसपाल सिंह जी का ये ब्लॉग है savedelete.com, आप इसमें देखोगे कि इमेजेस के साथ चीजें प्रेजेंट करी हैं, साथ में एफिलिएट लिंक है, लेकिन अच्छे से डिस्क्राइब किया है, बुलेट्स हैं, टेबल बना के प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं, तो ऑडियंस की पूरी हेल्प करी है। अगर उनको एक चीप साउंड बार चाहिए तो अच्छे से ऑप्शंस दिए हैं, और मेहनत नहीं करनी पड़ रही, बुलेट्स पढ़ते जाओ, मेरे पास कम टाइम है, प्रोज कॉन्स पढ़ते जाओ, मुझे शक्ल देखनी है, मुझे फोटो मिलती जा रही है। अब अगर कोई ऑडियंस की इतनी हेल्प करेगा तो ऑडियंस कहती है ठीक है, फिर ये वाला खरीदते हैं, और यहाँ पे आपकी सेवा के बदले आपको मेवा मिल जाता है। इसी तरह से इंटरनल लिंकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपकी साइट में कोई कुछ पढ़ रहा है तो उसके रिलेटेड और चीजें जो है वो उसको नजर आ जाए, ताकि वो उसको क्लिक कर पाए। यूजर की जर्नी आसान और बढ़िया करनी है। फॉर एग्जांपल track.in पे मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, राइट, सैलरी हाइक के ऊपर, लेकिन यहाँ पे आप देखो इंक्रीमेंट्स क्लिकेबल है, कॉग्निजेंट क्लिकेबल है, एट्रिशन लेवल्स क्लिकेबल है, और अगर मेरा इंटरेस्ट एट्रिशन लेवल्स के रिलेटेड कुछ देखने का तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा। तो मैं इसी साइट में और कॉन्टेंट देख रहा हूँ, यही तो हम चाह रहे हैं कि यूजर हमारे साथ जुड़ा रहे, तो एट्रिशन के रिलेटेड मुझे चीजें नजर आनी शुरू हो गई हैं। और आप ये देखो राइट में आपको रीसेंट पोस्ट नजर आएंगी, ऊपर प्रॉपर मेन्यू है, तो ये सारी चीजें आपके यूजर का रिटेंशन टाइम बढ़ाती है। इंटरनल लिंक स्ट्रांग होते हैं तो आपकी SEO और स्ट्रांग होती है। वर्डप्रेस में SEO की कई सारी ऑप्शंस आपके पास, कई सारे इंटरनल टूल्स हैं, कई सारे प्लगइन्स आप उनको यूज कर सकते हो, आपके लिए SEO बहुत ही आसान कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम जिस पेज को बना रहे थे उस पेज में आप देखो नीचे जाता हूं तो यहाँ पे ये सारी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मैं पेज टाइटल ऐड करूंगा, साइट का टाइटल ऐड कर सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन इस पेज में क्या होने वाला है, ये सब SEO के लिए बहुत जरूरी है। कीवर्ड्स एंटर कर सकता हूँ और आपको साथ में एनालिसिस भी मिल जाते हैं कि क्या चीज आपने अच्छी करी है, क्या चीज आपने अच्छी नहीं करी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है ईमानदारी। अगर
बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, घुमा फिरा के चीजें लिख रहे हैं, किसी तरीके ऐसे लिंक्स ऐसे टाइटल लिख रहे हैं कि बस लोग आ जाएं, बट अंदर वैल्यू नहीं है तो कोई फायदा नहीं। सो एसईओ के लिए भी सबसे जरूरी है ईमानदार होना। देखो बिजनेस में ये समझना बहुत जरूरी है कि जहां पे लोग हैं वहां बिजनेस है, जहां लोग हैं वहां अगर हम पहुंच गए तो वहां बिजनेस है। लोग सर्च इंजन पे, हमने एसईओ पे काम किया, और लोग कहां होते हैं? लोग होते हैं सोशल मीडिया पे, लोग इंस्टाग्राम पे होते हैं। तो अगर हम इंस्टाग्राम पे भी एक हैंडल बनाएं और वहां से लोगों को अपनी साइट पे ले आएं या फिर वहां पे स्टोरीज में अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, तो हम वहां से भी अपने एफिलिएट बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं और अपने साइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं। लोग और कहां होते हैं? लोग वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे। तो अगर हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाएं, हम अपनी साइट पे भी ला सकते हैं और वो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी दे सकते हैं और अपने एफिलिएट के बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। अरुण ने यही तो किया, पहले वेबसाइट बनाई track.in, उसके बाद यूट्यूब चैनल बनाया ट्रैकिंग टेक, जिसपे अराउंड 12 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। इंस्टाग्राम हैंडल बनाया अराउंड 500,000, वहां पे फॉलोअर्स है। तो आप देखो, एक चीज बिल्ड करी, दूसरी आप बिल्ड करते हो तो मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट होता है, दोनों तरफ से फायदा होता है, तीसरी करी तो और ज्यादा फायदा होता है। इसके अलावा कोरा यूज कर सकते हो, कोरा पे जाके किसी का कोई सवाल है उसको अच्छे से जवाब दो और साथ में अपनी साइट का लिंक दे दो। इसको हम बैक लिंक्स कहते हैं, आपकी एसईओ में भी हेल्प करता है कि दूसरी साइट्स पे जाके गेस्ट पोस्ट लिखने, अच्छे से वैल्यू देनी और साथ में अपनी साइट का रेफरेंस दे देना। दो चीजें आपको और बता रहा हूं, वैसे वो दो चीजें दो मिनट में नहीं बताई जा सकती, उसको बताने के लिए 2 से 2.5 घंटे चाहिए, लेकिन नहीं बताऊंगा तो मुझे लगेगा कुछ इनकम्प्लीट रह गया। एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए, आपको स्कोप पता होना चाहिए, यार ये चीजें एग्जिस्ट करती है। तो हिमीश ने हमें बताया सब कुछ है। ऑफ कोर्स कुछ चीजें जो फर्स्ट स्टेप में काम आएगी, कुछ है जो लेटर आएंगी, कुछ आपको डिटेल में अलग से सीखनी पड़ेंगी, जो 4-4 घंटे की चीजें होंगी। जो मैं बताना चाह रहा हूं वो सुनो, एनालिटिक्स बहुत जरूरी है। एनालिटिक्स मतलब एनालिसिस करना, ऑब्जर्व करना कि मेरी साइट पे क्या हो रहा है, लोग कहां कहां जा रहे हैं, कितनी देर रुक रहे हैं, कौन सा पेज ज्यादा देख रहे हैं, कौन सा पेज कम देख रहे हैं। यहां से आपको लर्निंग्स मिलेंगी ग्रोथ की। आपने 20-25 पेज बनाए लेकिन एक पेज पर ट्रैफिक आ रहा है, उस पेज पे लोग क्यों आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, क्या सर्च करके आ रहे हैं, ये सब के लिए बहुत सिंपल टूल है, बहुत सारे टूल्स हैं। मैं जो सजेस्ट करूंगा वो है गूगल एनालिटिक्स, शानदार टूल है। मैं आपको थोड़ा सा प्रीव्यू दिखाता हूं, ये आपको सब कुछ बताता है, कितने यूजर्स आए, कितनी बार आए, कितनी देर रुके, ड्यूरेशन क्या थी उनकी, उनका बिहेवियर क्या है, उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, वो कहां कहां से आए, एक्विजिशन, ऑडियंस, उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका शहर कौन सा है, कन्वर्जन्स, वो आपके प्रोडक्ट को उन्होंने क्लिक किया नहीं किया, और बहुत कुछ, बहुत ही डिटेल्ड होता है ये, जहां से आपको बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करेगी, वो है एड्स। एग्जांपल देता हूं कि आपकी 10-15 हजार की अर्निंग शुरू हो गई, अब एक तो है कि धीरे धीरे बिल्ड करते रहे, एक है एड्स को भी ट्राई करके देखें। आपका कोई पेज है जहां पे आप प्रोडक्ट्स जो लगाए हैं लोग बहुत जल्दी क्लिक कर रहे हैं, कन्वर्जन बहुत तेज हो रही है, तो आप ट्राई कर सकते हो कि इस पे एक एड रन करा जाए ताकि ये पेज लोगों के आगे ज्यादा जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जरूरी है कि लोग एक साल में 10,000 लोग आए, एक दिन में भी तो आ सकते हैं एड्स को यूज करके। तो आप एक छोटी सी अमाउंट के साथ टेस्ट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का एड चलाया, 500 रुपीज का एड चलाया और देखा कि लोग जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके बदले में जो मेरी कमीशन बन रही है, जो रिटर्न बन रही है, वो क्या 600 बन रही है, वो 700 बन रही है, क्या मुझे 100, 250, 150 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हो रहा है तो मैं 10,000 ट्राई करके देखूं, 5,000 ट्राई करके देखूं, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी हो। एक और चीज आप कर सकते हो वो है ईमेल मार्केटिंग। अपनी साइट पे एक बॉक्स लगा सकते हो जहां पे लोग अपना ईमेल एड्रेस छोड़ सकते हैं, आप उनको वैल्यू देते रह सकते हो, नया पोस्ट आया, नया पेज आया, नया कुछ आया, उनको ईमेल कर दिया, उनको सर्व करते रह सकते हो और साथ में अपनी वेबसाइट पर उनको रिपीटेडली बुला सकते हो, उनको याद करा सकते हो कि मैं एग्जिस्ट करता हूं। अगेन डे वन पे आपको सब कुछ एक साथ नहीं करना कि ईमेल मार्केटिंग भी करूं, यूट्यूब भी करूं, एसईओ भी करूं, लेकिन आपको पता सब होना चाहिए। मुझे इनकम्प्लीट फील होगा अगर आपको मैं इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट दूंगा। लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो सिर्फ एफिलिएट वेबसाइट के लिए नहीं, चाहे यूट्यूब चैनल बनाओ, चाहे इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है, चाहे अपना कोई बिजनेस करना है या फिर चाय की तपड़ी लगानी है, मैं इस चीज को दिल से मानता हूं, इसलिए पूरी तरह से आपको बोलूंगा आप भी फॉलो करो, वो है बी लाउड एंड प्राउड। आप जो कर रहे हो ना, बहुत बार हम छुपाने की कोशिश करते हैं, लोगों को दिखाने से डरते हैं कि लोग कहेंगे एक और नया बिजनेस शुरू कर दिया, एक और काम शुरू कर दिया, जब चल जाएगा तब लोगों के आगे आएंगे, तब लोगों को सिखाएंगे, तब लोगों को बताएंगे। नहीं, अगर कुछ कर रहे हैं तो उसको गर्व के साथ करो, हिम्मत करो, हिम्मत करो लोगों को पहले दिन से बताने की कि मैंने ये किया है। अगर अपनी ही साइट को लेके, अपने ही प्रोडक्ट को लेके हम प्राउड नहीं फील कर रहे, उसको लेके लाउड नहीं है, तो लोग कैसे उसके साथ एंगेज करेंगे। सो आपकी व्हाट्सएप की स्टोरीज पे, आपकी इंस्टा की स्टोरीज पे, आपकी यूट्यूब की वीडियोस में, कहीं भी जहां भी मौका मिले, आप जरूर बताओ कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरी वेबसाइट से आपको क्या मिलेगा, क्या वैल्यू मैं लोगों को दे रहा हूं। मैंने मेरी टी शर्ट के पीछे लिखा होता है हिमीश.com, एयरपोर्ट पे जाता हूं मैं तो अपना फ्लाइट पकड़ रहा हूं, लेकिन साथ में लोगों को बता रहा हूं हिमीश.com देखो, बिकॉज मुझे बहुत प्राउड है जो मैं कर रहा हूं उसके साथ, इसलिए मैं उसके लेके लाउड रहता हूं।
तो मैं आपको भी कहूंगा कि बी प्राउड एंड लाउड, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना, वहां पे भी मैं ये सारे अपडेट्स आपको देता रहता हूं। इंस्टाग्राम पे हिमीश मदान पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। अब कोई भी ट्रेनिंग इनकम्प्लीट अगर उसमें यह ना बताया जाए कि आप कौन सी गलतियां कर सकते हो, ताकि दूसरों की गलतियों से आप सीखो और आप वो गलतियां ना करो, अपने हिस्से की गलतियां तो सब करेंगे। एक गलती जो बहुत लोग करते हैं वो है लो वैल्यू कॉन्टेंट। आप देखो, आपने ये वीडियो जितनी भी देर की है 30-40 मिनट की मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये नहीं कहोगे वीडियो देखने के बाद यार इसने बताया तो कुछ नहीं बस घुमाता रहा। आपको नजर आएगा कि यार इसने अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश करी है इतनी ड्यूरेशन में मैक्सिमम देने की। तो जब आपकी ऑडियंस को ये नजर आता है कि आपकी इंटेंशन में वैल्यू है, आप उसको देने की पूरी कोशिश करते हो, तो ऑडियंस हमेशा आपके साथ जुड़ती है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ एफिलिएट के पर्पस से, कमाने के पर्पस से कॉन्टेंट बनाएंगे, बस किसी तरीके काम चलाएंगे, क्योंकि दिमाग में एक ही चीज है, पैसा, ये नहीं है, ऑडियंस, वो फेल हो जाएंगे। दूसरी गलती बहुत लोग करते हैं कि एनालिटिक्स नहीं देखते। जरूर देखो, वहां से आपको समझ आएगा आपको क्या करना और क्या नहीं करना, वरना बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे। तो अपनी साइट के एनालिसिस जरूर देखो, लोग क्या देख रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं, कहां से आ रहे हैं और किस पेज को नहीं पसंद कर रहे, जल्दी जा रहे हैं। ये आपकी बिगेस्ट लर्निंग है, किसी भी वीडियो कोर्स से ज्यादा आपको ये सिखाएगी। थर्ड, बहुत लोग साइट परफॉर्मेंस निग्लेक्ट करते हैं, ये देखने की कोशिश नहीं करते कि मेरा पेज लोडिंग टाइम क्या है। अगर आपका पेज खुलने में सेकंड्स लगा रहा है, कई बार लोग उसको खोलते नहीं, दूसरे पेज पे चले जाते हैं। तो ये छोटे छोटे चीजों के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन देखते रहना चाहिए कि मेरी साइट सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। फोर्थ गलती कुछ लोग करते हैं कि एक ही प्रोडक्ट के भरोसे सारा एफिलिएट मार्केटिंग बिल्ड करते हैं। अगर कल को वो प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आई या प्रोडक्ट की डिमांड ना रही या प्रोडक्ट का रेलेवेंस ना रहे, तो उनका बिजनेस हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि मल्टीपल प्रोडक्ट सोच सकते हो, मल्टीपल एफिलिएट पार्टनरशिप सोच सकते हो। फिफ्थ और बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके लिए आपको कसम खानी होगी, अगर आपको लगता है इस वीडियो ने आपको वैल्यू दिया है, तो दिल पे हाथ रख के ये बोलना कि आप हमेशा ऑनेस्ट रहो। ओवरनाइट सक्सेस चाह रहे हो तो ये छोड़ो, कोई भी बिजनेस आपके लिए नहीं, लेकिन अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो तो इस बिजनेस में बहुत रिटर्न्स हैं। लास्ट में एक लाइन बोलूंगा जो मैंने जिंदगी में सीखी है, यहां पे बसाई है, आप भी उसको यहां बसा लो, अपने सामने लिख के लगा लो कि अगर मेहनत आदत बन जाती है, अगर मेहनत आदत बन जाती है तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।